नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं महागाथा महाभारत का एक और पात्र लेकर। वैसे तो महाभारत के प्रत्येक पात्र को आप जितना करीब से जानने की कोशिश करेंगे, आपको उसमें बहुत सारी रहस्यमय शक्तियां दिखाई देंगी, बहुत सारे रहस्यमय चरित्र आपको उसके दिखेंगे। परंतु आज हम जिस चरित्र की बात कर रहे हैं, वह इकलौते ऐसे थे जिन्हें भगवान कृष्ण के अलावा महाभारत में होने वाली हर घटना का पहले से पता था। और यह वह पात्र है कि इसके बारे में महाभारत में कोई अलग से बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पांच पांडवों में से नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यह शक्ति उन्हें कैसे मिली। वैसे तो आमतौर पर लोग यह सब मानने को तैयार नहीं होते, परंतु आज विज्ञान भी मानता है कि हम जिस तरह का भोजन करते हैं या अगर हम मांसाहारी हैं तो हम जिस जीव का सेवन कर रहे हैं उसके गुण कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वह हमारी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, वह हमारे दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में महाराज पांडव सहदेव के धर्म पिता और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पांचों बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। पांचों पांडवों में से कोई भी यह सब करने का साहस नहीं दिखा पाया, परंतु सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के तीन हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो गया, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें भविष्य दिखने लगा। इस तरह से वे त्रिकालज्ञ बन गए। जब यह बात श्री कृष्ण को मालूम हुई तो उन्होंने सहदेव को इसके बारे में किसी के सामने भी जिक्र ना करने की सलाह दी और साथ ही बताया कि आगे जो होने वाला है, जैसे तुम जान सकते हो वैसे ही वो सब मैं भी जानता हूं, परंतु यह समय और विधि के विधान के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम जो देख सकते हैं उसे हम किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, और अगर तुमने किसी भी समय ऐसा किया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार सहदेव एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध में होने वाली हर घटना को पहले से जानते थे, परंतु भगवान कृष्ण के श्राप के कारण वो किसी को भी ये बात बता नहीं सकते थे। और वैसे भी सहदेव परम ज्ञानी थे, वह इस बात का महत्व समझते थे कि अगर भविष्य बता दिया जाए तो उसके परिणाम क्या होंगे। आशा करता हूं आज का यह अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी महाभारत के ऐसे ही एक और रहस्यमय पात्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।